हूँ आपके साथ रश्मि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला किया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ के हालात ठीक है और आगे भी स्थिति नहीं बिगड़े इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी और स्कूलों में सभी जरूरी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि हालात नहीं बिगड़े तो बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे और स्कूल कॉलेज भी खुले रहेंगे। बता दें कि देश के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, खासकर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि होली के महापर्व के दौरान दूर दूर से बिहार के लोग अपने घर आ रहे हैं, ऐसे में एहतियात जरूरी है। आपको बता दें कि लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में कोरोना जांच का काम फिर से बढ़ाया जा रहा है, रोजाना 70,000 तक जांच का लक्ष्य बनाया गया है और कोशिश यह की जा रही है कि हर दिन अधिक से अधिक RT-PCR जांच की जाए। इस बीच राज्य में कोरोना वैक्सीन देने का काम भी बढ़ाया गया है, सभी को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिहार में हालात ठीक रखने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि वे खुद प्रतिदिन रात में 9 बजे आंकड़े देखते हैं और समीक्षा भी करते हैं। आपको बता दें कि अब इस संबंध में अगली महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हालत ठीक है लेकिन सतर्कता जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनडी न्यूज के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।